तो फ्रेंड्स अब पापा एक और राइड करने जा रहे हो। कौन सी राइड करने जा रहे हो? कायक राइड है। कायक कायक बिना सहारे। मम्मी कैसा रहा आपका शिकार एक्सपीरियंस? वेरी नाइस, मजा आ गया। खराब हो गई है, उन्होंने रेस और लगा ली। एक्चुअल में एक बैड न्यूज देनी थी कि हमारा मतलब इश्ना का मोबाइल वहाँ पे कहीं पे छूट गया। छूटा नहीं है फ्रेंड्स, किसी ने मेरे बैग में से निकाल लिया है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं भीमताल। आप देख सकते हो भीमताल नहीं चाह रहा हमें अपनी ताल में वोटिंग कराना, वो नहीं चाह रहा हम उनके ताल में वोटिंग करें क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा है। फ्रेंड्स मतलब आप मौसम देखो कितना जबरदस्त हो रहा है, बारिश ही बारिश, मतलब मौजा ही मौजा हो रही है। मौजा ही मौजा हो रही है, पर हम भीमताल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाए और हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाएं। आज हमारा लास्ट डे, आज हम दिल्ली वापस जा रहे हैं, तो देखते हैं आज हम भीमताल घूम पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे। इस ब्लॉग के थ्रू आपको घुमाते हैं भीमताल। फ्रेंड्स ये देखो कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है, आपको दिख रही होगी कैसे छीटे छीटे पानी पानी। बस हम सोच रहे हैं बर्फ पड़ जाए, मजा ही आ जाए फिर तो। तो ध्वनि अगर यहाँ बर्फ पड़ गई तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा। ध्वनि तो इतना ज्यादा रिलैक्सिंग मोड में है फ्रेंड्स, देखो उसने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है, उसको ठंड नहीं लग रही है, बाकी सबको ठंड लग रही है बट ध्वनि को ठंड नहीं लग रही है। और चीनी को तो नींद भी आ रही है इस टाइम। मेरे को तो मन भी करेगा कि मैं एक और जगह पहन लूं। तो एंजॉयिंग। फ्रेंड्स अब हम आ गए नौ चौकिया ताल में। भैया क्या नाम है भैया इस ताल का? नौकुचिया ताल सर। हाँ जी नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल। और यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? सॉर्बिंग। सॉर्बिंग। तो सारे बच्चे एक्साइटेड हो? ठंड इतनी ज्यादा लग रही है, इसको आवाज नहीं आ रही। कितने एक्साइटेड हो? कितने एक्साइटेड हो? तो सबको करना है पक्का? पक्का मैं भी करूं? तो चलो चलते हैं। चीनी धोनी आ रहे हो फिर आप? जल्दी जल्दी सारे बच्चे चलो बैठो बैठो, मतलब खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। तू मेरे साथ जाएगी? तू डर गई? जाओ आगे जाके बैठते रहो। मजा आ रहा है बच्चों? जीनी आपकी बारी। ध्वनि जाओ। बैठ गए सब? बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बच्चों को मजा आने वाला है। तो चालू करें। जिनी आपको करना है दोबारा। सब लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ये देखिए सबसे पहले ये आ गए हैं। फ्रेंड्स मतलब इतना ज्यादा मजा आया कि सांस फूल रही है। और जिनी आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। बी केयरफुल, ये ग्रुप में करना, अकेले मत करना। अकेले बिल्कुल मत करना वरना सांस फूल जाएगी, वरना ये बहुत अच्छा फन है। तो फ्रेंड्स अब पापा एक और राइड करने जा रहे हो। कौन सी राइड करने जा रहे हो? कायक राइड है। कायक कायक। तो ये वाली में जाएंगे और चप्पू चलाएंगे। तो चप्पू चलाओगे अप्पू के साथ? अगर चल पाया आप अप्पू के साथ चप्पू चलाओगे? आप चल पाए चलाएंगे, वरना बड़े भाई हैं वो चला लेंगे। चलो देखते हैं, नाइस एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डर बहुत ज्यादा, डर लग रहा है बहुत ज्यादा बहुत। तो क्यों जा रहे हो फिर? भाई जा रहा है तो मुझे इधर डर लग रहा है, गिरा भाई। भाई क्या जबरदस्ती लेके जा रहा है भाई? ये क्या भ्राता प्रेम यहाँ पे निभाया जा रहा है भाई? राम लक्ष्मण की जोड़ी। पहले बीच में पैर रखना। चलो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, पहले बीच में पैर रखना। जो कि तो प्यार से चल रही है। कैसे चला रहे हैं? कितने फनी लग रहा है। तू नहीं
बिना सहारे तो जिन्हें आप कहाँ जा रहे हो आप जिन्हें शिकारा बोट पे किसके साथ अम्मा के साथ अम्मा के साथ सारे बच्चे जा रहे हैं हाँ। तो चलो 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 मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा चलो करो एंजॉय ओके फ्रेंड्स तो हमारी शिकार राइड शुरू हो गई है मम्मी क्यों हंस रहे हो आप नहीं हम ब्लॉग में वो बात नहीं बता सकते हो क्यों हंस रहे हैं सब लोग हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं और ये देखो फ्रेंड्स कितना जबरदस्त व्यू है और पापा दिखे तो पापा को भी दिखा दियो पापा पता नहीं दो बेचारे बेचारे पता नहीं कहाँ घुसे जूम इन कर रहे हैं वहाँ पे है मेरे को नहीं दिख रहे हैं मेरे को नहीं दिख रहे फ्रेंड जिस जिसको पापा दिख रहे हैं हमें स्पॉट करके भेजो इंस्टाग्राम पे तो फ्रेंड्स सब यहाँ पे सेट हो गए हैं सब सेट हो गए फ्रेंड्स और यहाँ पे इतनी मस्ती कर रहे हैं सब पापा को तो कोई याद भी नहीं कर रहे हैं नहीं पापा अपनी मस्ती में मस्त है पापा अपनी मस्ती में मस्त है हम अपनी मस्ती में मस्त है और ध्वनि वहाँ मस्त है ना ध्वनि हाय ध्वनि हेलो मजा आ रहा है कितना ओह ध्वनि क्यूटी 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 A few moments later. मम्मी कैसा रहा आपका शिकार एक्सपीरियंस वेरी नाइस मजा आ गया बहुत मजा आया भाई आपका अच्छा अच्छा लगा कितना अच्छा लगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो पापा के एक्सपीरियंस हाँ चलो अभी हम पापा के पास जाते हैं चलो 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 फ्रेंड्स ये बैठे पापा और पापा बताओ कैसा रहा आपका कायक एक्सपीरियंस मजा आया एक और बार मजा आया मजा आ गया और मतलब मुझे तो मजा आ गया तुम बताओ इसना तुम लोग शिकारा राइड से आए तुम्हें कैसा लगा बहुत मजा आया बहुत मजा आया और भाई तेरे को मैं मजा आया मैंने पानी को और तू इतने छीके क्यों मार रही है तेरे को मजा नहीं आया आया कितना आया बहुत ज्यादा तो अब चले घर नहीं अभी तो और भी इन्हें वो नहीं कराना स्वैन स्वैन वाला जो था तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग कहाँ बैठ गए हैं पैदल बोट पे और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है धूप भी बहुत ज्यादा ही है तो जिनी मतलब तेरे क्या रिएक्शन है मतलब कितना मजा आ रहा है मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी बोट मैं ही हैंडल कर रही हूँ कहाँ कैसे क्या जाना है कहाँ जाना है सब हैंडल कर रही हूँ सब तू हैंडल कर रही है फ्रेंड देखो ये पैडलिंग कर रही है और बहुत मजा आ रहा है बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बहुत ज्यादा फ्रेंड्स मतलब हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे इतना मजा है और ये हमें एक्चुअल में नैनीताल से बेटर जगह लग रही है हाँ। क्योंकि आप देखो फ्रेंड्स देखो कितना मजा है झील है ये फ्रेंड्स जो भी झील है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं और जब हमने व्लॉग चालू किया था उसके थोड़ी ही देर बाद हमने वो चीज बोली भी थी तो जो लोग ये वाला वीडियो पूरा देख रहे हैं उसको उसका नाम पता है और पता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखो उसे ओके ओके पापा कर रहे हैं पेडलिंग फ्रेंड देखो जिनी तो इतना थक गई है अच्छा करते जी। करते हाँ हाँ। इसने मेरे को बोल दिया करो 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 और जैकेट इतनी बढ़िया है तो मेरा करो 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 हो जा रहा है लेकिन फ्रेंड मजा बहुत आ रहा है मजा हो रहा है पापा का रिलैक्स देखो हमने एक मिनट के लिए पापा को पेडल क्या दे दिया पापा सोते सोते साइकिलिंग पेडलिंग कर रहे हैं साइकिलिंग बोल दिया गलती से क्योंकि पेडलिंग आगे बिल्कुल साइकिल जैसे लग रहे हैं यो पापा आपने ये पीस का साइन बनाया यो नहीं बनाया यो बनाओ यो यो क्या यो है यो क्या है यो यो हनी सिंह यो हनी सिंह मजा ही मजा फ्रेंड्स ये ध्वनि जा रही है बोट में मजा ही मजा आ रहा है इसे ध्वनि मजा आ रहा है कितना Enjoying? चीनी तेरी तो हालत खराब सी लग रही है मेरी खराब हो गई है उन्होंने रेस और लगाई ऊपर से उन्होंने हमसे रेस लगानी शुरू कर दी है A few hours later. तो फ्रेंड यहाँ पे ध्वनि और जिन्नी आ गए हैं एक शॉप पे ध्वनि आपको क्या चीज चाहिए देखो मैंने एक खेली है ये आपने इरेजर निकाल रखा है हाँ, ये एक इरेजर है और
स्क्विश बॉल। ये कैसी होती है? इससे प्रेस करो, इसके अंदर से बॉल से, मतलब एक बॉल में से बहुत सारी बॉल निकल जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है धोनी? अगर आपको गुस्सा रहो और आपको कुछ अच्छा, मतलब क्या आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहो तो आप इसे यूज कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं। और अभी का आप क्या ले रहे हो? सेम इरेजर, सेम इरेजर। और जिनी आप क्या ले रहे हो? मैं कुछ नहीं। तो आप दोनों बच्चों के सामान के पैसे दोगे फिर? हम ये ले ले, ठीक है? जिनी ये ले रही है। जिनी? जिनी ये ले रही है। जिनी ये तो ऐसा तुम गले में डाल लो, बिल्कुल शिवजी जी लगोगी। चलो ठीक है, ठीक है, ये तुम ले रही हो? हाँ मैं ले रही हूँ। जिनी सोच रहे अभी कुछ लेना है तो पक्का? तो इसका फाइनल है सर सामान? फाइनल है। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम सीधा रेलवे स्टेशन पे से कैसे हैं, तो एक्चुअल में एक बैड न्यूज़ देनी थी कि हमारा मतलब एशना का मोबाइल वहाँ पे कहीं पे छूट गया। छूटा नहीं है फ्रेंड्स, किसी ने मेरा बैग में से निकाल लिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड मतलब फिर हम उसकी एक कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग गया है और ट्रैकिंग करने की भी कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने काफी हेल्प करने की कोशिश की, तो हमने कंप्लेंट वगैरह लिखवाई, तो हमारा आज का पूरा दिन वहीं पे हमारा वेस्ट हो गया। लेकिन उन्होंने हमें बोला है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमें वो मोबाइल ढूंढ के दें और हमारे घर तक कुरियर करें। तो अभी हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेन है वो है रानीखेत एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स चलो अब हम ट्रेन में बैठते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और फ्रेंड्स जो कोई भी रिलेटिव हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मम्मी से जो कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वो पापा के फोन पे कॉन्टैक्ट करे हमसे। फ्रेंड्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही है और मुझे बहुत दुख है में। फ्रेंड्स मुझे बहुत दुख है, मेरा फोन खो गया है। मेरे चेहरे से भी आइडिया लगा सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही है। देखो लेकिन कोई बात नहीं, हम दिल्ली जाके नया फोन दिला देंगे, तो अब हम आपसे मिलते हैं ट्रेन में। तो फ्रेंड्स रात को हम काफ़ी लेट घर पे पहुंचे और जैसे आप लोगों हमने बताया था कि एशना का फोन खो गया है, मतलब पर्स चोरी हो गया है। तो हमारा मूड इतना खराब हो गया था कि हम क्या बताएं, तो हमारा ट्रेन में वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। हाँ बिल्कुल मन नहीं किया फ्रेंड्स मेरा, तो मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा था मैं रो ही पड़ूंगी, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। खो गया पापा ने भी यही समझाया कि अब खो गया तो खो गया, अब क्या कर सकते हैं, वो चीज़ वापस तो आ ही नहीं सकती ना, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स वी होप आपको हमारे ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।